गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शारीरिक शिक्षा का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आज हमें हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है कि यूनान के समय में शारीरिक शिक्षा किस चरम पर थी, क्या महत्वपूर्ण चीजें थी और शारीरिक शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण स्थान था, हमें यही चर्चा करनी है। तो शारीरिक शिक्षा के दृष्टिकोण से यूनान के इतिहास को चार भागों में विभाजित किया गया है। हम यूनान को ग्रीक भी कहते हैं, एथेंस भी कहते हैं। यूनान, ग्रीक, एथेंस, ये एक ही चीज है। तो चलिए यूनान के इतिहास को समझने के लिए चार भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ देखिए, सबसे पहले है आपका होमर काल, होमर, फिर है आपका स्पार्टा काल और फिर है आपका पूर्व एथेंस काल, फिर उत्तर एथेंस काल। हमें एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि शारीरिक शिक्षा के इतिहास में हमें उतना ही पढ़ना है, तो हिस्ट्री बहुत ब्रॉड, लेकिन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। एग्जाम में क्या आ सकता है उसके दृष्टिकोण से मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को तैयार किया है, तो वही चीजें मैं आपको कोशिश करूंगी कि आप तक पहुंचा सकूं। चलिए, सबसे पहले है आपका होमर काल। होमर काल की जानकारी हमें एक नेत्रहीन कवि थे जिनका नाम होमर था, एक नेत्रहीन कवि थे जिनका नाम होमर था, उनके द्वारा लिखे गए दो महाकाव्य, या फिर रचना कह लीजिए दो महाकाव्य से इस काल की जानकारी मिलती है। वो दो महाकाव्य कौन है? इलियड है और ओडिसी है। क्या है? इलियड और ओडिसी। आपसे पूछेगा कि इलियड और ओडिसी किस काल की रचना है, अगर वो पूछता है किस काल की रचना है तो किसकी है? होमर काल की है, होमर काल की है। अगर किस कवि के द्वारा लिखी गई, तो नेत्रहीन कवि जिनका नाम होमर था उनके द्वारा लिखी गई दो रचनाएं हैं, और कौन कौन सी है? इलियड और ओडिसी। चलिए, अब होमर काल में जो यूनानी वासी थे उनका जीवन कैसा था? वो कृषि खेतिहारों का जीवन व्यतीत करते, यानी कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। और यूनानी लोग जब भी कोई किसी विशेष धार्मिक उत्सव होता था या विशेष उत्सव होते थे, उस समय देवी देवताओं की पूजा और खेलों का आयोजन विशेष तौर पर करते थे। उनके यानी कि होमर काल में जो सर्वश्रेष्ठ देवता थे, पूछेगा आपसे होमर काल के सर्वश्रेष्ठ देवता कौन से थे, तो होमर काल के सर्वश्रेष्ठ देवता जीएस को कहा जाता है, जीएस को। इसी को आपको कहेंगे ज्यूस भी मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्यूस। तो मैंने क्या कहा कि होमर काल के सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? जीएस है, जिन्हें ज्यूस भी कहा जाता है, जीएस और ज्यूस। ठीक, अब मैंने आपसे ये भी कहा कि किसी धार्मिक उत्सव पर या विशेष उत्सवों पर खेलों का आयोजन करते थे, तो उस समय एथलेटिक्स का समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। जब भी ये किसी विशेष उत्सव पर आयोजन करते थे तो रथ दौड़ना, मुक्केबाजी, मल्लयुद्ध करना, भार उठाना, भाला फेंकना, ऐसी खेलों को वो शामिल किया करते थे। तो कहा जा सकता है कि एथलेटिक्स का विशेष महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वो जो भी उत्सव करते थे तो इनमें खेलों का आयोजन किया करते थे। अब पूछेगा आपसे होमर काल में शिक्षा का लक्ष्य क्या था, यानी शिक्षा का लक्ष्य क्या था? मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम। देखिए, शिक्षा का लक्ष्य होमर काल में मैन ऑफ एक्शन है, मैन ऑफ विजडम। मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम शिक्षा का लक्ष्य था। तो हमें इसमें क्या क्या फोकस करना है? सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि नेत्रहीन कवि के द्वारा लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इलियड और ओडिसी। ठीक, फिर सर्वश्रेष्ठ देवता जीएस, जिसे हम ज्यूस भी कहेंगे, और शिक्षा का लक्ष्य मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम। एथलेटिक्स का बहुत विशेष महत्वपूर्ण स्थान था और खेलों का आयोजन किया जाता था। एक बार आप इसे देख लीजिए। होमर काल के बाद अब हम बात करेंगे किसकी? स्पार्टा काल की। स्पार्टा काल के बारे में हमें जानना है। स्पार्टा काल कैसा है? स्पार्टा काल सत्तावादी राज्य था, यानी कि वन मैन पावर। राजा का अपनी प्रजा पर आधिपत्य होता था। राजा अपनी प्रजा को जन्म से लेकर मृत्यु तक राज्य का धन समझता था और प्रजा किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। तो स्पार्टा काल कैसा था, पूछ सकता है? स्पार्टा काल कैसा था? स्पार्टा काल एक सत्तावादी राज्य था। स्पार्टा काल कैसा था? सत्तावादी राज्य था। स्पार्टा काल में मेन उद्देश्य क्या था? कि शक्तिशाली योद्धा मिल सके, एक बहादुर सैनिक बन सके। जो नवयुवक है
वो राज्य के प्रति काम आए, एक शक्तिशाली योद्धा बने और एक बहादुर सैनिक बने, यही स्पार्टा काल का उद्देश्य था। अब बात करेंगे बच्चों की। स्पार्टा काल में जब किसी बच्चे का जन्म होता था तो उनका शासन के आदेश पर एक प्रशिक्षण लिया जाता था, एक टेस्ट किया जाता था, परीक्षण लिया जाता था, एक टेस्ट किया जाता था कि वो बच्चा स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। अगर बच्चा अस्वस्थ होता था तो उसे नष्ट कर दिया जाता था, एक पर्वत से उन्हें गिराकर मार दिया जाता था। उस पर्वत को टोई गेट्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टोई गेट्स। इस पर्वत का नाम था टोई गेट्स, टोई गेट्स। चलिए, इस पर्वत से उस बच्चे को नष्ट कर दिया जाता था। जो बच्चा स्वस्थ पाया जाता था उस बच्चे को जीने का अधिकार था। अब जब बच्चा स्वस्थ है तो उसे जीने का अधिकार है। बच्चे के जन्म से लेकर 7 वर्ष तक उसकी माँ ही उसका पालन करती थी, पालन पोषण करती थी और उसको शिक्षा ग्रहण करवाती थी। मैंने क्या कहा? जन्म से लेकर सात वर्ष तक बच्चा अपनी माँ के पास रहता था, अपनी माँ के संरक्षण में रहता था, माँ ही उसका पालन पोषण करती थी और शिक्षा ग्रहण करवाती थी। जब बच्चा 7 वर्ष की आयु पूरी कर लेता था तो 7 से लेकर 18 वर्ष तक बच्चे को पब्लिक बैरिक में रखा जाता था। देखिए, पब्लिक बैरिक क्या नाम था? 7 से लेकर 18 वर्ष तक बच्चे को एक जगह रखा जाता था जिसका नाम था पब्लिक बैरिक। अब पब्लिक बैरिक में क्या होता था? पब्लिक बैरिक में बच्चों को एक उनकी एज के अकॉर्डिंग ग्रुप में बांट दिया जाता था। जो भी ग्रुप बनते थे उसमें प्रत्येक ग्रुप में 64 बच्चे होते थे, 64 बच्चों का एक ग्रुप बनता था जिसे ट्रैप कहा जाता था। ठीक है, उस पब्लिक बैरिक में बच्चों को डिवाइड करके रखा जाता था, उसे ट्रैप कहा जाता था। अब आगे बढ़ेंगे। सैनिक शिक्षा के कार्यक्रम में विशेष होता था वो था मुक्केबाजी और कुश्ती। सैनिक शिक्षा के कार्यक्रम में दो चीजों को विशेष तौर पर वो करवाते थे, मुक्केबाजी और कुश्ती। मुक्केबाजी और कुश्ती के मिश्रित रूप को पेनक्रेशन कहा जाता है। पूछेगा मुक्केबाजी और कुश्ती के मिश्रित रूप को क्या कहेंगे? पेनक्रेशन कहा जाता है। चलिए, अब इसी में है आपका कि जब बच्चा क्या बोलते हैं 7 से 18 पब्लिक बैरिक में रहा, उसके बाद उसका जो सैनिक दो अंग विशेष होते थे कुश्ती और मुक्केबाजी की, जिसे पेनक्रेशन कहा जाता था। फिर स्पार्टा में एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता है? क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को आगाप कहा जाता है। ये देखिए, आगाप कहा जाता है, क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को आगाप कहा जाता है। सिस्टमैटिक फॉर्मल एजुकेशन नॉन एज, सिस्टमैटिक फॉर्मल एजुकेशन नॉन एज आगाग, आगाग। चलिए, तो इसमें जो सिस्टमैटिक एजुकेशन के कर्ता धर्ता थे जिसे आगाह कहा जाता था, जो उसके कर्ता धर्ता थे, मैं आगाह की बात कर रही, आगाह के जो कर्ता धर्ता थे उसे पैडोनोमस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैडोनोमस। देखिए, पैडोनोमस यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पैडोनोमस कहा जाता था। अब ये पैडोनोमस कौन थे? पैडोनोमस स्पार्टा के मतलब उस नगर का एक उच्च अधिकारी होता था जो बिना किसी शुल्क के बच्चों को शिक्षा देता था। और ये इसका कार्य ये था कि वो कोई धन नहीं लेता था, कि किसी बच्चे से कोई धन ले, बिना किसी धन के, बिना किसी निःशुल्क के अपनी सेवा का निर्वाह करता था। अब आगे बढ़ेंगे। जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता था तो उसे कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था जिसमें उसका अस्त्र शस्त्र को चलाना और पीटी कराना अनिवार्य था। उसके बाद जब वो नवयुवक 24 वर्ष का होता था तो उसे अपने राज्य के प्रति, अपने स्टेट के प्रति शपथ लेनी पड़ती थी कि वो अपने राज्य, अपने स्टेट के लिए काम आएगा और जो भी बन सकेगा अपने राज्य के लिए करेगा। उस शपथ के बाद ही वो एक पूर्ण सैनिक कहलाता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जब वो नवयुवक 30 वर्ष का होता था तब स्पार्टा में विवाह करने का एक अधिकार था कि 30 वर्ष के बाद वो विवाह करते थे और विवाह करने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि स्पार्टा को एक नया वंश मिल सके। फिर इसके बाद 50 वर्ष तक उस नवयुवक से सैनिक कार्य लिया जाता था, उसके बाद उन्हें रिटायर करते थे, 50 के बाद रिटायर कर देते थे। लेकिन अगर स्टेट को जरूरत पड़ती थी तो वो 60 वर्ष तक उनसे कार्य ले सकते थे।
इसके बाद फिर हम महिलाओं पर आएंगे, स्पार्टा में महिलाओं का स्थान कैसा था पूछेगा, स्पार्टा में महिलाओं का स्थान कैसा था, तो स्पार्टा में महिलाओं का स्थान बराबर का स्थान था, जैसे पुरुषों के लिए व्यवस्थाएं थी महिलाओं के लिए भी थी, उनके लिए जिम्नास्टिक था, संगीत था और खेलकूद वाली क्रियाएं होती थी। फर्क इतना था कि दोनों के अलग अलग होते थे, और जब महिलाओं का विवाह हो जाता था या फिर वो 20 वर्ष की आयु पार कर जाती थी तो वो खुले में व्यायाम नहीं कर सकती थी और स्थान बराबर था। तो स्पार्टा में हमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है, क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली, सिस्टमैटिक फॉर्मल एजुकेशन को क्या कहा जाता है, आगाप कहा जाता है। इसके कर्ता धर्ता को क्या कहा जाता है, पैडोनोमस कहा जाता है, ठीक है। और मुक्केबाजी और कुश्ती के मिश्रित खेल को क्या कहेंगे, पैनक्रेशन कहेंगे। और जिस पर्वत से बच्चे को नष्ट किया जाता था उसे टाइगेट्स नामक पर्वत से बच्चे को फेंका जाता था। तो आपको इतनी ही चीजें इसमें याद करनी है। चलिए अब बात करेंगे पूर्व एथेंस काल की। पूर्व एथेंस काल की हमें बात करनी है। पूर्व एथेंस काल यानी कि पूर्व एथेंस काल कैसा राज्य था, एक प्रजातंत्रवादी राज्य था। देखिए प्रजातंत्रवादी राज्य था। अब प्रजातंत्रवादी राज्य से क्या तात्पर्य है, यानी कि पूर्व एथेंस काल में जो प्रजा थी वो अपने राजा का चुनाव करती थी और इन्हें मौलिक अधिकार, इनके पास मौलिक अधिकार होते थे, ये अपने विचारों को प्रकट कर सकती थी, अपने इच्छा से इन्हें जीवन जीने का अधिकार भी था। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूर्व एथेंस काल में जो जो व्यक्ति थे, जो जो लोग थे, उन्हें जीने का अधिकार था, वो अपने हिसाब से कैसे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ये सारे अधिकार थे। पूर्व एथेंस काल में जो 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 वहां के लोग थे, प्रजातंत्रवादी थे, तो उसका उद्देश्य क्या था कि एक बलिष्ठ और कुशल योद्धा बन सके, बलिष्ठ सैनिक बन सके, यही इसका मेन उद्देश्य था। तब जो बच्चों के जन्म होता था, जन्म से लेकर 7 वर्ष तक बालक जो था वो अपने माता पिता के संरक्षण में रहता था और शिक्षा ग्रहण करता था। शिक्षा के लिए दो श्रेणियों में बांटा गया था, पहली थी प्रथम श्रेणी और फिर द्वितीय श्रेणी। प्रथम में उन्हें व्यायाम सिखाया जाता था, बच्चों को व्यायाम सिखाया जाता था, और द्वितीय श्रेणी में साहित्य, संगीत, गणित। देखिए द्वितीय श्रेणी में साहित्य था, संगीत था और गणित था। जो आपको ये संगीत है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। संगीत के विद्यालय यहाँ पर पूर्व एथेंस काल में संगीत के विद्यालय बहुत सारे थे और संगीत के विद्यालय को डिडोस किलम कहा जाता था। डिडोस किलम ये देखिए डिडोस किलम कहा जाता था। आपसे पूछेगा संगीत के विद्यालय को क्या कहा जाता है, तो संगीत के विद्यालय को डिडोस किलम कहा जाता है। प्रथम श्रेणी में व्यायाम है, व्यायाम कराए जाते थे। द्वितीय श्रेणी में साहित्य, संगीत, गणित का ज्ञान दिया जाता था और संगीत विद्यालय अत्यधिक थे जिसे डिडोस किलम कहा जाता था। अब पूर्व एथेंस काल में जहां पर शारीरिक क्रियाएं कराई जाती थी, शारीरिक क्रियाएं जहां कराई जाती थी उसे पैलेस्ट्रा कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलेस्ट्रा आपका पूर्व एथेंस काल के अंतर्गत आता है। पैलेस्ट्रा एक आयताकार क्षेत्र था जहां पर बच्चों को उछलना कूदना सिखाया जाता था, जैसे कि मलयुद्ध होता था जिसे हम कुश्ती कहते हैं, कुश्ती सिखाते थे, और जिम्नास्टिक होती थी। आयताकार क्षेत्र जिसे पैलेस्ट्रा कहते थे, यहाँ पर क्या सिखाया जाता था, मलयुद्ध सिखाया जाता था, कुश्ती और जिम्नास्टिक सिखाया जाता था। अब जो पैलेस्ट्रा में अध्यापक था उसे पैडोनोमस कहा जाता था, पैडोट्राइव कहा जाता था, सॉरी पैडोनोमस आपका स्पार्टा में है। तो जो पैलेस्ट्रा के अध्यापक होते थे, पैलेस्ट्रा के अध्यापक को पैडोड्राइव कहा जाता था। याद रखिएगा पैडोड्राइव आपका पैलेस्ट्रा के अध्यापक है, पैडोड्राइव, और पैडोनोमस आपका स्पार्टा में है। चलिए पैडोड्राइव कहा जाता था, अध्यापक को पैडोड्राइव कहा जाता था। अब पूर्व एथेंस काल में बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी उसके लिए कुछ सहायता के लिए अध्यापक नियुक्त किए गए थे, जो विशेष विशेष चीजों पर फोकस करते थे, विशेष स्किल सिखाते थे, जैसे कि बॉल। जो जो अध्यापक उन्हें बॉल सिखाते थे बच्चों को, उनको कहा जाता था स्पायरेटिस। बॉल सिखाने वाले अध्यापक को स्पायरेटिस कहा जाता था। फिर से सुनिए, पूर्व एथेंस काल में विशेष जो खेल होते थे उसके लिए अध्यापक नियुक्त किए गए थे, जैसे कि पहला है आपका बॉल सिखाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था, बॉल सिखाने वाले अध्यापक को स्पायरेटिस कहा जाता था। उसी प्रकार से जैवलिन, भाला फेंक,
जैवलिन के एक अध्यापक होते थे जिसे कहा जाता था एकॉन्टिस, एकॉन्टिस, एकॉन्टिस कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि जैवलिन फेंकने वाले अध्यापक को निम्नलिखित में से कहा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि जैवलिन फेंकने वाले अध्यापक को एकॉन्टिस कहा जाता है। फिर आगे बात करेंगे तीरंदाजी की, जो तो तीरंदाजी के अध्यापक होते थे जो तीरंदाजी सिखाते थे उन्हें कहते थे टॉक्सोटिस, उन्हें क्या कहते थे टॉक्सोटिस, टॉक्सोटिस, ध्यान दीजिए टॉक्सोटिस, तीरंदाजी सिखाने वाले अध्यापक को टॉक्सोटिस कहते थे। और जो शस्त्र सिखाते थे, शस्त्र सिखाने वाले अध्यापक को हैप्लोमस कहते थे, हैप्लोमस कहते थे। बॉल फेंकने वाले को, ध्यान से देखिए, बॉल फेंकने वाले को स्पैरेटिस कहा जाता था, जैवलिन सिखाने वाले अध्यापक को एकॉन्टिस कहा जाता था, और तीरंदाजी सिखाने वाले अध्यापक को टॉक्सोटिस कहा जाता था, और शस्त्र चलाने वाले अध्यापक को हैप्लोमस कहा जाता था। ये एक विशेष अध्यापक थे पूर्व एथेंस काल में जो बच्चों को प्रशिक्षित करते थे। देख लीजिए एक बार आप इसे, तो इसी के आगे है आपका 14 वर्ष तक, जो बच्चा 14 वर्ष तक इसमें रह के शिक्षा ग्रहण करता था, 14 वर्ष के बाद 18 वर्ष तक वो एक ऊंची फीस देकर शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। इसके बाद जब वो नवयुवक 18 वर्ष का होता था तो उसको उसको सेना में भर्ती कर लिया जाता था, और जब वो व्यक्ति 20 वर्ष का होता था तो उसको अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार था, वो ऐसा कुछ बाध्य नहीं था, वो अपने तरीके से अपने अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। अब बात करेंगे कि पूर्व एथेंस काल में कब महिलाओं का स्थान क्या था, तो महिलाओं को सम्मान नहीं था, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई स्कूल नहीं थे। तो हमें याद क्या रखना है इसमें, इसमें आगे ये बहुत कुछ है, पहले आप इसको देख लो कि आपको इसमें याद क्या करना है। पूर्व एथेंस काल आपका प्रजातंत्रवादी राज्य था, बच्चा जन्म से लेकर 7 वर्ष तक माता पिता के पास रहता था, फिर उसको शिक्षा के लिए दो श्रेणी में बांटा गया था, जिसमें उसको प्रथम श्रेणी में व्यायाम सिखाते थे, दूसरे में साहित्य, संगीत, गणित। और संगीत का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पूछेगा डिडोस किलम कौन सा विद्यालय है, तो संगीत का विद्यालय है, और डिडोस किलम किस काल का है, पूर्व एथेंस काल का है। फिर आपकी जहां पे ये शारीरिक क्रियाएं कराई जाती थी उसको पैलेस्ट्रा कहा जाता था, पैलेस्ट्रा, पैलेस्ट्रा, देखिए पैलेस्ट्रा, पैलेस्ट्रा एक आयताकार क्षेत्र था जिसमें मल्युद्ध और मुक्केबाजी, मल्युद्ध और जिम्नास्टिक सिखाई जाती थी। और पैलेस्ट्रा के जो अध्यापक थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलेस्ट्रा के अध्यापक को पैडो ड्राइव कहा जाता था, पैडो ड्राइव कहा जाता था। फिर पूर्व एथेंस काल में बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष अध्यापक नियुक्त किए गए थे, बॉल फेंकने वाले को जैवलिन, तीरंदाजी शस्त्र, आपको याद रखना है, बॉल को स्पैरेटिस कहा जाता था, जैवलिन को एकॉन्टिस कहा जाता है, तीरंदाजी को टॉक्सोटिस कहा जाता है, और शस्त्र को हैप्लोमस कहा जाता है। चलिए बात करेंगे पैन हैंडलिक खेलों की, तो सबसे पहले हमें जानना है कि पैन हैंडलिक खेल क्या थे। यूनान में छोटे छोटे राज्य थे जो हमेशा आपस में युद्ध करते थे, तो इन युद्धों को रोकने के लिए यूनान के जो बहुत विद्वान, विशाल जो अच्छा सोचते थे, विद्वान थे यूनान के जो अच्छे विद्वान थे, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा आयोजन किया जाए जिससे युद्ध को रोका जा सके, तो उन्होंने ये पैन हैंडलिक खेलों का आयोजन की सोचा, आयोजन का शुरुआत की, यानी पैन हैंडलिक खेलों की शुरुआत की। इसे 4 भागों में बांटा गया, सबसे पहले था आपका ओलंपिक खेल, फिर है आपका पाइथियन खेल, फिर है आपका स्थीमियन खेल, और फिर है आपका नीमियन खेल। हमें इसे समझने के लिए इस ग्राफ के हिसाब से हमें समझना है, यहाँ पे मैंने लिखा है खेल, देवता और प्रतियोगिता का स्थान। हमें सबसे पहले कौन कौन से खेल होते थे ये देखना है, फिर ये खेल किस देवता के सम्मान में होते थे, और फिर ये किस स्थान पर कराए जाते थे। इससे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैन हैंडलिक खेलों का आयोजन मुख्य तौर से युद्धों को रोकने के लिए किया गया था, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए खेल, ये ग्राफ है आपका, सबसे पहले ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल की अगर मैं बात करूंगी, ओलंपिक खेल के सर्वश्रेष्ठ जो देवता थे वो जीयस थे, जीयस जिन्हें ज्यूस भी कहा जाता है। और ये ओलंपिक खेल कहाँ पर, यहाँ ये कहाँ आयोजित होते थे, तो ओलंपिक घाटी में आयोजित किए जाते थे। अब दूसरा हम आएंगे पाइथियन खेलों पर, ये भी आपका खेल है, पाइथियन खेल किस देवता के सम्मान में होते थे, अपोलो देवता के सम्मान में होते थे, कहाँ पर
आयोजित होते थे, कहां पर आयोजित होते थे? डेल्फी के मैदान में आयोजित होते थे, डेल्फी के मैदान में आयोजित होते थे। अब तीसरा है आपका इस्थीमियन खेल, क्या है? इस्थीमियन खेल, इस्थीमियन खेल आपका समुद्र देवता, समुद्र देवता थे ये, और कहां पर आयोजित होते थे? कॉरिथिन के मैदान में आयोजित किए जाते थे, कॉरिथिन मैदान में आयोजित किए जाते थे। फिर लास्ट है आपका नीमियन खेल, नीमियन खेल कहां, किसके, किस देवता के सम्मान में होते थे? तो जियस देवता के सम्मान में होते थे, किस स्थान पर होते थे? और ग्लीस के स्थान पर किया जाता था इन खेलों का आयोजन। अब अगर हमें इसे याद करना हो, मान लीजिए हम थोड़ा भूलते हैं, तो एक इसका भी एक फॉर्मूला है आपका, देखिए ओ पी ई एन, ओपन है, ओ से आपका हो गया ओलंपिक खेल, पी से आपका हो गया पाइथियन खेल, और ई से आपका हो गया इस्थीमियन खेल, इस्थीमियन खेल, और एन से आपका हो गया नीमियन खेल। तो जो ओलंपिक खेल है और जो नीमियन खेल है, इसके देवता जीएस, जीएस है, तो याद करने के लिए आप पाइथियन आपका अपोलो हो गया और इस्थीमियन आपके समुद्र देवता हो गए। यहाँ पर आ जाइए कि ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होते थे, ओलंपिक घाटी में होते थे, और पाइथियन खेल कहाँ आयोजित होते थे, डेल्फी के मैदान में होते थे, और इस्थीमियन आपका कॉरिथिन में होते थे, नीमियन आपका अर्गलीज में होते थे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लो, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, सभी बच्चे इसे शॉर्ट स्क्रीन कर ले। चलिए ये तो आपका हो गया, अब हमारा बच रहा है उत्तर एथेंस का, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी अभी आपको पता होगा कि एनवीएस का रिजल्ट आया है, जिनमें जिसमें हमारे पढ़ाए हुए 50 से प्लस बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके इंटरव्यू की तैयारी के लिए हम अब इस पे काम करेंगे कि इंटरव्यू के हिसाब से क्या पढ़ना चाहिए, तो इसके बारे में भी वीडियोस बनाई जाएंगी, तो आप लोग उसकी तैयारी करेंगे, उसकी तैयारी करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच।